बालों को तेजी से लंबा करने का सबसे आसान उपाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोगानुसार में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। बाल पतला होना और गिरना तब शुरू होता है जब उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता। कुछ गलतियों के कारण बाल समय से पहले ही कमजोर और सफेद होने लगते हैं, और इससे बचने के लिए यह जान लेना बहुत जरूरी है कि बाल किन कारणों से पतले हो रहे हैं। महिला हो या पुरुष, लंबे घने और सुंदर बाल हर किसी की चाहत होती है, और अगर ये घने ना हो तो खूबसूरती में कुछ अधूरा रह जाता है। महिलाओं को अपने जीवन से ज्यादा अपने बालों से प्यार होता है। ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बालों को सुंदर और स्वस्थ बनाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। अगर आप भी यही चाहते हैं कि आप अपने सुंदर, स्वस्थ, घने और लंबे बाल हों, तो आप यहाँ बताए गए घरेलू नुस्खे को अपना सकते हैं। लंबे, सुंदर और घने बाल आजकल सबकी चाहत हैं। बचपन से ही गलत उपयोग करके लोग अपने बाल खराब कर लेते हैं, जिसके कारण बाल झड़ने और टूटने लगते हैं। आजकल लोग तरह तरह के तेल और क्रीम लगाकर बालों को खराब कर ले रहे हैं। यह सभी चीजें बालों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। बाल प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए बालों को प्रोटीन मिलना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे बाल मजबूत और घने बने रहते हैं। प्राचीन समय में महिलाएं घरेलू उपायों का प्रयोग करती थी, आज हम उन्हीं उपायों के बारे में बता रहे हैं। इसलिए बालों को लंबा करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके बाल बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे और आपके लंबे बालों का सपना अधूरा रह जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन। नंबर एक, एवोकाडो। जी हाँ, एवोकाडो बालों को मॉइस्चराइज करता है, जिसकी मदद से बाल घने होने लगते हैं। इसके साथ ही इसमें मौजूद विटामिन ई हेयर सॉफ्ट को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। एवोकाडो का इस्तेमाल करने के लिए इसे एक केले के साथ क्रश करके उसमें एक चम्मच जैतून का तेल मिला लें। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिलाने के बाद अपनी जड़ों में लगाकर मसाज करें। अपने बालों में इस मिश्रण को आधे घंटे के लिए लगा हुआ छोड़ दें। अंत में बालों को पानी से धोकर शैम्पू कर लें। इसके अलावा आप एक हाइड्रेटिंग हेयर मास्क भी बना सकते हैं। सबसे पहले 2 चम्मच गेहूं के बीज के तेल को 1/2 एवोकाडो के साथ मिला लें। अब इस हेयर मास्क को शैम्पू किए हुए बालों में लगा लें और 20 मिनट के लिए ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें। फिर अपने बालों को पानी से धोने के बाद शैम्पू से धो लें। ऐसा करने से आपके बाल बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे। नंबर 2, ऑलिव ऑयल। जी हाँ, बालों को मोटा करने का दूसरा सबसे बेहतरीन ऑप्शन है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में वो सारे गुण होते हैं जो आपके बालों को मोटा, हेल्दी करने के लिए चाहिए। ऑलिव ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जिसकी मदद से बाल मोटे होते हैं। इसका वॉल्यूम भी बढ़ता है, साथ ही ये आपके बालों के टेक्सचर में सुधार करता है। ऑलिव ऑयल की मदद से बालों को मोटा करने के लिए सबसे पहले ऑलिव ऑयल को कुछ मिनट के लिए गर्म करें। ध्यान रहे कि ऑलिव ऑयल ज्यादा गर्म ना हो। गर्म करने के बाद ऑलिव ऑयल को ठंडा कर लें और फिर अपने स्कैल्प और बालों पर धीरे धीरे लगाएं। अब ऑलिव ऑयल को बालों पर 30 से 40 मिनट के लिए लगा हुआ छोड़ दें। 40 मिनट बाद अपने बालों को शैम्पू करने के बाद गुनगुने पानी से बालों को धुल लें। बालों को मजबूत और मोटा करने की यह प्रक्रिया आप हफ्ते में से 3 बार अपना सकते हैं। नंबर 3, प्याज का रस। जी हाँ, बालों को लंबा करने के लिए प्याज का रस बहुत ही कारगर उपाय है। इसके लिए प्याज का रस निकालें और अपने बालों पर लगाकर छोड़ दें। आधे घंटे बाद अपने बालों को गुनगुने पानी से धो लें और शैम्पू कर लें। आप चाहें तो नारियल के तेल को प्याज के रस में मिलाकर भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके बाल बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे और लंबे होंगे। नंबर 4, दही। जी हाँ, दही में भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके बालों को कई समस्याओं से बचाते हैं। दही में पाया जाने वाला एसिड बालों के रोमों को खोलकर जड़ों से मैल निकालते हैं और जड़ों का पीएच स्तर भी वापस लौटाने में मदद करते हैं। दही में मौजूद वसा जोड़ों को पोषण देने के साथ साथ इन्हें हाइड्रेट भी करती है। अगर आपको कोई संक्रमण की समस्या है तो आप उस समस्या से बचने के लिए भी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, मेथी का बीज। जी हाँ, घने बाल के लिए मेथी का बीज पुराना प्राकृतिक घरेलू उपाय है। मेथी बालों को झड़ने से रोकता है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाने और नए बालों के विकास को बढ़ावा देता है। इससे बालों को मोटा करना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए मेथी के बीज को रात भर पानी में भिगोकर छोड़ दें। दूसरे दिन इसे अच्छी तरह पीस लें और इसका पेस्ट बालों पर लगाएं।
लगाने के 30 से 40 मिनट बाद गुनगुने पानी से अच्छे से धो लें, क्योंकि मेथी की बीज की दुर्गंध आपको परेशान कर सकती है। इस उपाय को हफ्ते में एक बार प्रयोग करें। ऐसा करने से आपके बाल बहुत ही तेजी से लंबे और घने हो जाएंगे।